नमस्कार दोस्तों, आज कंप्यूटर फंडामेंटल का ये चौथा पार्ट लेके दोस्तों आया हूँ मैं। इसमें दोस्तों हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये जो दुनिया में डिफरेंट तरह का कंप्यूटर है दोस्तों, इसको हम कुछ क्राइटेरिया का अंदर रखे हैं दोस्तों। उसके कैसे, जैसे दोस्तों कुछ परपोज के वाइज हम डिवाइड किए हैं, कुछ दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से हम डिवाइड किए हैं, कुछ दोस्तों साइज एंड कैपेबिलिटी इसके क्राइटेरिया में हम डिवाइड किए हैं दोस्तों। फर्स्ट देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन परपोज, हम जो टास्क यूज करते हैं, मतलब कंप्यूटर को जो टास्क देते हैं, उसका हिसाब से हम टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं दोस्तों इसको। एक जनरल पर्पज कंप्यूटर है, जनरली जो जनरल हम लोग का जो वर्क होता है, जैसे डॉक्यूमेंट तैयारी करना, अकाउंटिंग कुछ मतलब हिसाब किताब करना, और इंटरनेट यूज करना, गेम खेलना, ये सब के लिए जो कंप्यूटर होता है, जैसे डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप, उसको बोला जाता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज मतलब एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जो यूज होता है, जैसे दोस्तों आप रोबोट्स दोस्तों आपका जो कोरोना टाइम है दोस्तों, इसमें हम लोग का जो हॉस्पिटल में दोस्तों अभी जो मरीज को देखने के लिए कुछ रोबोट्स बनाया गया है दोस्तों। उसमें क्या होता है दोस्तों, वो कैमरा लगा होता है दोस्तों रोबोट में, वो क्या करता है, हर एक फोटो भेजता है जो मरीज है वो किस पोजीशन में है। तो इसमें बहुत सारा सुविधा होता है दोस्तों रोबोट में, पर्टिकुलर इस काम के लिए रोबोट यूज हो रहा है दोस्तों। कैलकुलेटर पर्टिकुलर कैलकुलेटिंग के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल और डाटा हैंडलिंग। तो दोस्तों टू टाइप्स का सिग्नल होता है, एक एनालॉग सिग्नल है, एक डिजिटल सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल दोस्तों कॉन्टिन्यूस होता है, जो कॉन्टिन्यूसली जनरेट करता है दोस्तों, और दोस्तों डिजिटल सिग्नल है जो दोस्तों जीरो एंड वन वो सिग्नल जनरेट करते हैं दोस्तों। एनालॉग सिग्नल जो होता है, जैसे हम लोग का जो टेम्परेचर, इसका मतलब है टेम्परेचर मेजरमेंट करना, वोल्टेज मेजरमेंट करना, प्रेशर मेजरमेंट करना, इसके लिए जो कंप्यूटर उसको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे हम लोग का थर्मोमीटर है, ऑसिलोमीटर है, स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर दोस्तों बाइक में जो स्पीड मेजरमेंट करता है, वो सब एनालॉग सिग्नल है, मतलब एनालॉग कंप्यूटर है। और दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर जनरली हम लोग का लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल में जो डिजिटल सिग्नल यूज करके जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है कुछ, इसको बोला जाता है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब है एनालॉग और डिजिटल दोनों मिला के जो होता है, उसको बोला जाता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। जनरली दोस्तों आप देखेंगे, जो अगर गैस पंप स्टेशन में जाएंगे, उसमें दोस्तों आप कार में कुछ गैस भरना चाहते हैं, तो आपका 4 लीटर का गैस भरना है, तो वो 4 लीटर जो दोस्तों हम डालेंगे, वो एनालॉग सिग्नल थ्रू डालेंगे दोस्तों, उसको बोला जाता है एनालॉग कंप्यूटर। उधर यूज हो गया डिस्प्ले, जो दोस्तों हम लोग कितना लीटर लिए हैं, वो जो एक मॉनिटर में शो होता है, जो 4 लीटर हम ले चुके हैं, तो इसको बोला जाता है दोस्तों डिजिटल। तो ये डिजिटली मेजरमेंट होता है दोस्तों। ये दोनों फीचर्स अगर होगा तो कोई कंप्यूटर, इसको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेबिलिटी। इसमें दोस्तों देखिए, जो साइज होता है उसके लिए, कैपेबिलिटी के लिए हम चार तरह का कंप्यूटर है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो देखिए सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर दोस्तों ये देखिए, ये लगभग बिलियंस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कर लेता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन मतलब दोस्तों, ये साइंटिफिक ऑपरेशन के लिए, मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर। इसका पावर बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ये पैरेलल कंप्यूटिंग कर सकता है। पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब है एक टास्क को करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर यूज करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल प्रोसेसर अगर यूज करेगा तो बहुत स्पीड से कैलकुलेशन हो पाएगा। तो जनरली इसको हम जनरली दोस्तों स्पेस में यूज करते हैं, जो दोस्तों एटॉमिक जो न्यूक्लियर तैयारी करने के लिए हम इसको यूज किया जाता है दोस्तों। जनरली देखिए वेदर फोरकास्टिंग, देखिए दोस्तों वेदर जो फोरकास्टिंग होता है दोस्तों, 3-4 दिन का वेदर लिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डे का क्या वेदर होगा, वो भी इस सुपर कंप्यूटर से हम कर पाते हैं दोस्तों उसका फोरकास्टिंग। तो देखिए एक एग्जांपल भी दिया गया है दोस्तों, इसमें सुपर कंप्यूटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं स्वैप करने के लिए ट्राई कर रहा हूं दोस्तों। जैसे 64 बिट लगा है दोस्तों, RISC इसको बोला जाता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मतलब ये प्रोसेसर दोस्तों इंस्ट्रक्शन सेट है, मगर उसमें कम इंस्ट्रक्शन सेट है, इसको इसलिए RISC बोला जाता है। और दोस्तों देखिए 32 GB DDR3 ये रैम है उसमें, और दोस्तों इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में है, एक क्वेश्चन आता है जो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, उसका नाम है दोस्तों परम।
नेक्स्ट दोस्तों देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर से कम पावर है मगर एक कॉन्करेंटली मतलब बहुत सारा टास्क एक टाइम में कर सकता है दोस्तों, मिलियंस ऑफ ऑपरेटर कर सकता है मगर सुपर कंप्यूटर बिलियन ऑपरेटर ऑपरेशन कर सकता है, तो ये डिफरेंस है दोस्तों। और देखिए बैंकिंग जो भी बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दोस्तों ये काम होता है, इंश्योरेंस कंपनी उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है दोस्तों। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप देखेंगे बैंक में अगर जाएंगे एक बड़ा बॉक्स में एक सीपीयू लगा हुआ है और मेमोरी लगा हुआ है दोस्तों, और बाकी बैंक में सब जो कर्मचारी होता है दोस्तों वो सब लैपटॉप इसका मतलब है डेस्कटॉप मतलब मॉनिटर और कीबोर्ड माउस लेके बैठे हैं दोस्तों। वो लोग जो भी काम करता है दोस्तों वो लोग जो भी काम करते हैं वो आफ्टर द मतलब कंप्लीट होने के बाद सबका एक जगह में मतलब एक सीपीयू और एक मेमोरी में वो सब इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। तो हम बैंकिंग और जो रेलवे में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल भी कुछ दिया गया है जैसे यूनिवाक 11100/10 इस टाइप का है दोस्तों। मिनी कंप्यूटर क्या है दोस्तों, जो अगर कोई सर्वर आप डेवलप करना चाहते हैं सर्वर के लिए मिनी कंप्यूटर चाहिए। मिनी कंप्यूटर थोड़ा मेन फ्रेम से कम होता है दोस्तों, इसमें लगभग 200 यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है मिनी कंप्यूटर, जनरली सर्वर के लिए हम ये यूज करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए माइक्रो कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर है दोस्तों जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप ये है माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि उसमें माइक्रो चिप एज ए प्रोसेसर यूज किया जाता है। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होता है, तो इसमें दोस्तों देखिए सिंगल यूज़र के लिए ये यूज किया जाता है, वो वर्क स्टेशन नोटबुक ये सब है दोस्तों। डेस्कटॉप का मतलब है दोस्तों जनरली डेस्कटॉप में मॉनिटर कीबोर्ड और दोस्तों जो जो भी कंपोनेंट्स हैं हम लोग का कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस आउटपुट सब मिला के एक एक मिला के जो कंपोनेंट बना है दोस्तों कंप्यूटर जो बना है उसको डेस्कटॉप बोला जाता है। लैपटॉप मतलब जो पोर्टेबल होता है उसको बोला जाता है लैपटॉप। और दोस्तों देखिए ये जो हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो हम लोग हाथ में लेके जो यूज कर सकते हैं जिसको पाम में लेके हम यूज कर सकते हैं उसको बोला जाता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, जो मोबाइल है दोस्तों हम लोग का। और वर्क स्टेशन है दोस्तों, ये बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है वर्क स्टेशन, एक पीसी और वर्क स्टेशन में बहुत डिफरेंस है। जैसे वर्क स्टेशन का ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा होता है और दोस्तों रैम भी बहुत ज़्यादा, जो प्राइमरी मेमोरी है बहुत ज़्यादा होता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा होता है, जैसे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। वर्क स्टेशन और पीसी जनरली हम जनरल पर्पज कंप्यूटर हिसाब से यूज कर सकते हैं, हम लोग का जनरल का काम जो होता है जैसे डॉक्यूमेंट तैयारी करना ये सब के लिए हम यूज करते हैं। वर्क स्टेशन एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जैसे गेम का सॉफ्टवेयर डेवलप करना गेम खेलना ये सब वर्क स्टेशन में बहुत इसलिए यूज किया जाता है। नोटबुक कंप्यूटर है बहुत हल्का वेट का जो कंप्यूटर होता है, लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों, मगर नोटबुक एक हल्का मतलब वेट लेस है जैसे 6 पाउंड लगभग होता है दोस्तों। ये है सब माइक्रो कंप्यूटर। तो ये दोस्तों कुछ फिगर है, अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का। थैंक यू दोस्तों, आज का लेसन यही कंप्लीट करता हूँ।